गाजियाबाद कमिश्नरेट के कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की क्राइम ब्रांच टीम ने 7 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो मोबाइल टावर से रिसीवर और अन्य सामान को चोरी कर औने पौने दामों में बेचने का कार्य करते थे, जिनके कब्जे से पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए के माल के साथ 2 गाड़ियां भी बरामद की हैं। गैंग के 7 साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ADCP क्राइम सचिन अद्दानंद राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जियो और एयरटेल के मोबाइल टावर से रिसीवर सहित बैटरी व अन्य सामान चोरी करने वाले गिरोह के 7 बदमाशों को, जिनमें 3 कबाड़ी भी हैं, को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल क्राइम ब्रांच टीम प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मोबाइल टावर से महंगा सामान चोरी करने वाले गिरोह के कुछ बदमाश बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा टीमों का गठन किया गया। टीम ने एक बदमाश को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपने अन्य साथियों के बारे में जानकारी से अवगत कराने का कार्य किया। बदमाश ने पूछताछ में बताया कि उनके गैंग में 14 लोग कार्य करते हैं और एक टेक्नीशियन भी है, जिसको सामान की कीमत और सामान के बारे में जानकारी होती है। फिर वह सामान को कबाड़ियों को बेच दिया करते हैं और कबाड़ियों के द्वारा उस सामान को अन्य जगह बेच दिया जाता है। इसी बीच कुछ 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 1 रिसीवर, 1 बैटरी, 1 कार और 1 छोटा हाथी भी बरामद किया गया है। इनके अन्य 7 साथी अभी भी फरार हैं, जिनके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पकड़े गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस गैंग का संबंध जावेद मीरपुरिया से भी है। ये क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए मोबाइल टावरों में उपकरणों की चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जिसमें कुल 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 3 अभियुक्त मेन अभियुक्त जो हैं मोहसिन, सरफराज और अकरम, ये तीनों कबाड़ी हैं, और 4 लोग जो है इसमें चोर हैं, अनस, सलमान, शादाब और साकिब। इनके पास से कितना माल बरामद हुआ है? इनके पास से 20 रेडियो रिसीवर हम लोगों ने बरामद किया है, और 1 स्विफ्ट गाड़ी बरामद हुई है और 1 छोटा हाथी बरामद हुआ है। तथा इनका अगर आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाएगा तो मोहसिन के विरुद्ध कुल मेरठ, गाजियाबाद, पंजाब मिला के कुल 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। सरफराज के विरुद्ध कुल गाजियाबाद पंजाब में 3 अभियोग हैं। अनस के विरुद्ध कुल 10 अभियोग हैं। सलमान के विरुद्ध कुल 3 अभियोग हैं। शादाब के विरुद्ध कुल 6 अभियोग हैं बागपत, पंजाब, गाजियाबाद में। अकरम उर्फ राजा के विरुद्ध कुल 3 अभियोग हैं। साकिब उर्फ राजा के विरुद्ध कुल पंजाब और गाजियाबाद मिला के 3 अभियोग पंजीकृत हैं। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था, ये दिल्ली NCR क्षेत्र है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इनके गैंग में जो है पूरा एक टेक्नीशियन भी है और ये कर्नल है वो जो गाड़ी प्रोवाइड करता था। इस तरह पूरा गैंग इन लोग का जो है 7 लोग इसमें भी वांछित चल रहे हैं। 14 लोग का पूरा गैंग जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आया है, 7 लोग के हम लोगों ने गिरफ्तारी किया है। तथा 2 अभियुक्त ऐसे हैं, अकरम मलिक उर्फ राजा और 1 साकिब मलिक उर्फ राजा, ये दोनों जो है पूर्व में हमारे यहाँ जावेद मीरपुरिया वांछित 1 लाख रुपए का उससे रिलेशन में है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूर्व में गैंग हम लोगों ने वर्कआउट किया है उससे ये लोग कनेक्टेड है। किस कंपनियों के टावर को मुख्य रूप